दिमाग को बना रही है बूढ़ा, ये पांच चीजें। भूलने की बीमारी हो रही है लोगों को यदि ये लोग पांच चीजें करते हैं तो। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आजकल लोगों की लाइफ तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब कैसा है कि आयुमान बढ़ रहा। कुछ साल पहले, आज से 30-40 साल पहले, लोग 50 और 60 के बीच में बहुत ज़्यादा उनका ध्यान होता था, मर जाते थे। अभी लोग 60 से 80 साल मतलब आराम से जी लेते हैं। और जैसा मैंने पिछले कोई वीडियो में बताया था कि भाई अभी जापान में तो 80 साल तक लोग जीते, 100 साल तक जीते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उनको, एक्टिव लाइफ जीते हैं। तो लोगों की लाइफ तो बढ़ गई है, मगर अभी भूलने की बीमारी चालू और डिमेंशिया बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा लोगों को। अल्जाइमर डिजीज ज़्यादा मात्रा में दिखने लगा है, डिमेंशिया और भुलक्कड़पना। तो वो टालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये पांच चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपको भूलने की बीमारी नहीं होगी, आयुमान भी बढ़ जाएगी। नंबर एक, शराब। शराब लोगों को लगता है कि शराब तो पीना अच्छा ही है, कभी कभी पी लेते हैं, मगर कभी कभी पीने वाले भी उसके आदि हो जाते हैं, उनको लत लग जाती है। और जब शराब पीते हैं लोग तो क्या होता है कि शराब से कैलोरीज बहुत ज़्यादा बनती है बॉडी में, कैलोरीज बनती है, लोगों को लगता है कि एनर्जी आई हुई है, मगर एक्चुअली विटामिन्स कम हो जाते हैं और उसका असर ब्रेन पर होता है। और ब्रेन को यदि विटामिन नहीं मिला तो ब्रेन बूढ़ा होने लगता है जल्दी, और फिर याददाश्त कम हो जाती है। तो शराब का सेवन बंद करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मीठा। मीठा खाना मतलब शक्कर तो पूरी ही बंद करना चाहिए अपने खान पान में से। शक्कर यदि खाते हैं आप तो शुगर जब ज़्यादा मात्रा में ब्लड में बढ़ जाता है तो उसका असर पूरे बॉडी के ऊपर होता है, पूरे बॉडी के ऊपर हाई ग्लूकोज का। तो यदि आपको डायबिटीज़ है तो सवाल ही नहीं, मगर डायबिटीज़ नहीं है तभी भी शुगर कम खाना चाहिए या खाना ही नहीं चाहिए। शुगर पचाने के लिए बहुत ताकत लगती है बॉडी को, इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, और यदि शुगर पचाई नहीं गई तो शुगर का कन्वर्शन होता है फैट में, और वो डिपॉजिट होता है हमारी खून की नलियों में, ब्रेन में, और फिर भुलक्कड़पन की बीमारी आती है। तो पहला है शराब, दूसरा है मीठा शुगर, तीसरा है नमक, सॉल्ट। सॉल्ट जितना कम खाए उतना अच्छा, मगर लोगों को सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। जैसा कड़क मीठी चाय होना, वैसा तीखा और नमक वाला, नमक वाली दाल या सब्जी भी होना है। तो नमक आप कम खाते हैं तो बहुत अच्छा है, नमक ज़्यादा खाते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा है, हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर यदि ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली उसका असर ब्रेन पर होता है, भेजे पर होता है, और भुलक्कड़पन की बीमारी होती है। नेक्स्ट आइटम है धूम्रपान, सिगरेट स्मोकिंग। तो उसमें निकोटीन है, निकोटीन भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ाता है, फैट डिपोजिशन बहुत बढ़ाता है, और उसका असर ब्रेन पर होता है। तो धूम्रपान करना, उसमें तंबाकू खाना, उससे मुंह का कैंसर, यहाँ रखते हैं धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर। तंबाकू और बीड़ी भी लोग पीते हैं, बीड़ी तो बीड़ी का भी सेम है, बीड़ी और सिगरेट तो वो एकदम डालना चाहिए, उससे भी बुढ़ापा जल्दी आता है, भुलक्कड़पन की बीमारी होती है। और पांचवा, सबसे ज़्यादा महत्व का, बिना काम का खाली बैठना। क्या होता है कि लोग 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट कभी प्लान ही किया नहीं रहता है, और अचानक एकदम काम बंद, रिटायर हो गए, ऑफिस से सेंड ऑफ पार्टी हो गई, अब बोले आराम करूँगा, और वो कुछ करते ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है, फिर खाना पीना, टीवी देखना, सोना, टाइम पास करना, गॉसिपिंग करना, जो रिटायर्ड लोग हैं वहाँ जाके बैठक में बैठना, जब सामने कुछ भी नहीं है करने लायक, जब कोई फ्यूचर क्रिएटेड नहीं है, उम्र सिर्फ 58-60 साल की है, अभी तो 20-30 साल जी सकते हैं और आगे 40 साल भी जी सकते हैं, प्लानिंग कुछ भी नहीं है,
तो ब्रेन जब इनएक्टिव हो जाता है, ब्रेन के सामने कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो मरदम बोलते हैं कि भाई आपने पजल्स जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए, कुछ तो भी एक्टिव, भले पैसा ना मिलता हो, तो आपने पैसा भी नहीं मिलता तभी कहीं ना कहीं जाके मदद करना चाहिए, जो आपका पैशन है वहाँ जाके काम करना चाहिए, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कोई ज्वाइन करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कोई, मतलब कोई चैरिटेबल वर्क है वहाँ जाके आप कर सकते हैं, मतलब जहाँ आप बिजी हो और कुछ ना कुछ एक्टिवली काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है ब्रेन को, तो वो एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। नहीं अभी तो उम्र हो गई, अभी तो काम नहीं बहुत किया, अभी ऐसा बोले तो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मैक्सिमम लोगों को बीमारी जो आती है, मतलब लोगों को बीमारी तो मैक्सिमम बीमारियां जो आती है वो रिटायर होने के 2 साल में आती है, क्योंकि एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपने देखना है, ये कर दे तो डेफिनेटली आपको भूलने की बीमारी नहीं होंगी और आप बूढ़े जल्दी नहीं होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 शराब, 2 मीठा, 3 नमक, 4 धूम्रपान, 5 बिना काम का खाली बैठना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य है। थैंक यू वेरी मच।